अरे हम खाते पीते सोते साथ में साथ है भाई, में भाई। तो अभी क्या बात, अभी क्या रह गया है? वो डिनाई क्यों कर रहे हैं? मैं मर जाऊं अभी गाड़ी के सामने आके मर जाऊं मैं? मैं शादीशुदा हूँ पहले की बात अलग है। आप मेरे को ऐसे छू नहीं सकते, मतलब बीएमसी में ही होगा ना, मुस्लिम एक्ट से मैरिज जो होता है वो, मतलब मेरा मैरिज लीगल है ना? हाँ बस शादी के देखो फैंस ऐसा हो रहा है, शादी तो हो गई है, क्या क्या मानने को तैयार नहीं। क्या हुआ है सतवार को? मैटर क्या है? क्या बताइए ना राकेश जी, आप लोग को कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? बस पता चल जाता है सूत्रों के हवाले से। आदिल भाई भाग गए? अरे राखी जी फैंस बहुत आपके, यानी कुछ कहना चाहते कि कुछ तो शादी के देखो फैंस ऐसा हो रहा है, शादी तो हो गई है, क्या मानने को तैयार नहीं। क्या कहना चाहेंगे राखी जी, फैंस चाहते कि एक बार कुछ आप सामने आके कुछ खुलासा या कुछ ऐसा बोले दोनों जन? मैं बोलना चाहती हूँ, कभी मीडिया से दूर रही हूँ। नहीं नहीं यार, इस वक्त बहुत क्या मजबूरी है इसके लिए आप दूर है मीडिया से? मजबूरी है कि मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाह रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ अब मेरी ही इज्जत नहीं, मेरे ससुराल वालों की इज्जत भी छुपी हुई है। अभी मैं अकेडमी, मेरी राखी साउंड अकेडमी में गई थी, आप लोग वहाँ पे भी पहुँच गए थे, तो मैं यहाँ भाग के आई तो आप लोग यहाँ पे भी आ गए हो। अब छोड़ दो आप, चुप। तो किसके लिए मतलब आप मीडिया से दूरी बना रहे हैं, क्या हुआ? मैं क्या जवाब दूँ, क्या आदिल भाई की वजह से, क्या किसी और कारण की वजह से? यही कारण की वजह से मैंने अभी कोर्ट में फ़ोन किया था, कोर्ट में फ़ोन किया था मैंने कि आप मेरा सर्टिफिकेट 10 बार देखिए, सब जगह वायरल हो रहा है। हाँ वायरल हो गया है, तो उन्होंने बोला आप फिक्र मंद, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए आदिल, और आप दोनों इधर आए थे, आप लोगों ने साइन मारी है, और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी है कोर्ट का, और अभी जब हिंदू मुस्लिम लोग शादी होती है तो वो मेरे ख्याल से पीएमसी में होती है। हाँ, तो जैसे मेरी फाल्गुनी एडवोकेट हम लोग गए थे, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है क्योंकि मैं अपने पति के खिलाफ जाना ही नहीं चाह रही। शादी कभी हो जी राखी जी, कौन सी तारीख में? उसमें आप देख लीजिए, एक साल हो गया कि फैंस आपको वही चाह रहे कि राखी जी आजकल है ही नहीं, कहना चाह रही प्लीज। मुझे मम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी की तबीयत कैसी है? तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। आज मेरी अकेडमी में स्टूडेंट आए थे इसलिए मैं सब ऐसे बाहर आई थी, कॉफी पीना चाह रही हूँ। आपको तो पता है कि कॉफी मैं पीने आई हूँ, और एक कॉफी पीऊंगी तो थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगी। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, करंट लग जाए मर जाऊँ मैं मर जाऊँ, मैंने जी के क्या करना है बगैर आदिल? नहीं नहीं, आपके फैंस है, उनके लिए जीना है। अभी मर जाऊँ मैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं क्यों जी रही हूँ? बोल, मगर पति की क्या जिंदगी, एक औरत की क्या जिंदगी है मेरी, बताइए ना। फिल्मों में ये सारी चीजें तो मेरी जिंदगी, लेकिन जब पति नहीं था तो फिर भी आप अकेले जी रहे, इतना काम किया आपने। नहीं पति नहीं रहा क्या मतलब है? पति है, पति नहीं था जब ही, नहीं हुआ जब ही, अभी शादी हुई ना, उससे पहले भी आप इतना किए रितेश के जाने के बाद। भला है बुरा है जैसा भी है, वो मेरा पति है, आई लव आदिल, मेरा पति है वो, अब मेरे को छोड़ दो। अच्छा, मैं तो सड़कों पे घूम रही हूँ पागलों की तरह। राखी जी मम्मी को देखने का, हमको भी आने का है, तो कभी आ सकते हैं? तो आप लोग, अभी मैं अकेडमी जा रही हूँ। हाँ तो आप बताओ फिर चलते हैं। और उधर सारे मेरे स्टूडेंट 100 स्टूडेंट आए हैं। हाँ, राखी साउंड अकेडमी स्टार्ट हो गया ना 20 तारीख को, मैं तो आदिल भाई भी है क्या अकेडमी में? आदिल भाई भी मिलेंगे अकेडमी में शायद स्टूडेंट से? मेरे को मत पूछो, वो वहीं पे है ऑफिस में, अभी आए हैं। अच्छा, तो आपसे बात नहीं कर रहे? अरे हम खाते पीते सोते साथ में है भाई, भाई। तो अभी क्या बात, अभी क्या रह गया है? वो डिनाई क्यों कर रहे हैं? मैं मर जाऊं अभी गाड़ी के सामने आके मर जाऊं मैं? मैं मर जाऊं अरे पांडे पे नाम आ जाए, आओ इधर कुचल दो, मर जाऊं, मना कर रहा हूँ, क्या करूं मैं, क्या करूं? आप लोग क्यों मेरे पीछे भाग रहे हो? एक कॉफी पी लो, अच्छा तो दिमाग ठीक हो जाए। सर दर्द हो गया है, परेशान हो गई हूँ मैं, लोग मुझे पागलों की तरह देख रहे हैं। अरे भाई ऐसे में सेल्फी ले जा भाई, सेल्फी ले जा। अरे ले यार, देख राखी जी का दिल बहुत बड़ा है, मना नहीं कर सकते, बराबर फैंस ही आपके साथ है, और हम भी आप नहीं दूर से भाई। मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, पहले की बात अलग है, आप मेरे को ऐसे छू नहीं सकते, थोड़ा नजदीक आके नहीं कर सकते। ठीक है राखी जी, ओके ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, डर मतलब आप दोनों एक बार मीडिया के सामने आके बता दो क्या सीन है।
आप बोलो ना आदिल को, क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी चलते उधर ही। मेरे को मत बोलो ना, आप आदिल को बोलो ना। मैं तो छाती ठोक के कह रही हूँ कि मेरी शादी हो गई है। मेरा बैग देखते रहे। और आप, मैं मीडिया के सामने नहीं आ रही थी, आप लोगों ने मेरे को पकड़ लिया है। मेरे सारे अड्डे जानते हो। फैंस चाह रहे कि राखी को कवर करो। फैंस खुद नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं, कमेंट में आता है राखी जी, कमेंट में बहुत आता है। जिस तरह के जो शादी के फोटो और वीडियो वायरल हुए ना, उसको कट कर रही है। ओके, कट करें।